हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अलाइनमेंट ऑफ लेथ सेंटर के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि टर्निंग चैप्टर का एक्सरसाइज 4 में से है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3 तक के क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1407, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटर इज सुइटेबल व्हेन वर्कपीस इज हेल्ड बिटवीन सेंटर इज टू बी टर्न एट हाई स्पीड। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटर इज सुइटेबल व्हेन वर्कपीस हेल्ड बिटवीन सेंटर इज टू बी टर्न एट हाई स्पीड। निम्न केंद्रों में से कौन सा उपयुक्त है जब केंद्रों के बीच रखे गए कार्य को उच्च गति से चालू किया जाए। ऑप्शन ए बॉल सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी पाइप सेंटर, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग सेंटर, ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी, रिवॉल्विंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 1408, विच सेंटर इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग पाइप सेल्स एंड होलो एंड जॉब्स। पाइप और खोखले अंत ट्यूबों का समर्थन करने के लिए किस केंद्र का उपयोग किया जाता है, यानी सपोर्ट करने के लिए कौन सा सेंटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बॉल सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी पाइप सेंटर, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। आंसर इज ऑप्शन सी, पाइप सेंटर। पाइप सेंटर का यूज सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं पाइप्स को, और होलो पाइप्स को भी जो खोखले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1409, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटर इज सुइटेबल व्हाइल कटिंग टैपर बाय सेट ओवर मेथड। सेट ओवर विधि द्वारा टैपर काटने समय निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उपयुक्त है। ऑप्शन ए बॉल सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी पाइप सेंटर, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। आंसर इज ऑप्शन ए बॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 1410, विच सेंटर इज यूज टू सपोर्ट द एंड ऑफ द जॉब वेयर नो काउंटरसिंक होल इज परमिटेड। किस केंद्र का उपयोग जॉब के अंत का समर्थन करने के लिए किया जाता है जहां कोई काउंटरसिंक छेद की अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए बॉल सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी पाइप सेंटर, ऑप्शन डी फीमेल सेंटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन डी फीमेल सेंटर। वहां पर काउंटरसिंक होल नहीं किया जा सकता, इसीलिए फीमेल सेंटर वहां पर यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1411, व्हाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन द। खराद में यानी ड्रिल में ड्रिल करते समय ड्रिल को आयोजित डेस किया जाता है। ऑप्शन ए हेड स्टॉक, ऑप्शन बी टेल स्टॉक, ऑप्शन सी कंपाउंड स्लाइड, ऑप्शन डी बेड। ड्रिल लेथ में कहां पर लगता है। आंसर इज ऑप्शन बी टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक में तो जॉब लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1412, ए फिक्स स्टेडी रेस्ट इज यूज टू। एक स्थिर आराम का उपयोग डेस्क किया जाता है। ऑप्शन ए सपोर्ट द टूल रिजिडली टू अवॉइड चैटर ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी सपोर्ट लॉन्ग शाफ्ट्स दैट आर बीइंग थ्रेडेड फॉर their full length, ऑप्शन सी सपोर्ट वर्क पीसेस ड्यूरिंग फेसिंग लार्ज डायमीटर वर्क पीस विथ शॉर्ट लेंथ, ऑप्शन डी सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस हेल्ड इन चक टू परफॉर्म ऑपरेशन एट द ओवरहैंगिंग एंड। आंसर इज ऑप्शन डी, ये सपोर्ट करता है जो लेथ से बाहर झुके हुए होते हैं, उसको फिक्स स्टडी से सपोर्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1413, डेड सेंटर इज मेड आउट ऑफ, मृत केंद्र डेस से बना है, ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन डी मालेबल आयरन। डेड सेंटर किससे बने होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद किसी को ही पता हो या फिर जो इस मतलब डेड सेंटर में ज़्यादा स्टडी किया हो। ये कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। डेड सेंटर किससे बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनते हैं डेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 1414, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट लेंथी वर्क्स फॉर कैरिंग आउट लेद ऑपरेशंस, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेद के खराद यानी लेद के संचालन के लिए लंबे कार्य का समर्थन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए चैम्फरिंग टूल, ऑप्शन बी इंसर्टेड बिट विथ होल्डर, ऑप्शन सी लेद सेंटर, ऑप्शन डी ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन सी लेद सेंटर। ये सपोर्ट करता है लेंथी वर्क्स को एकदम सेंटर में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1415, द सेंटर व्हिच इज अकोमोडेटेड इन द टेलस्टॉक स्पिंडल इज नोन एज, टेलस्टॉक स्पिंडल में समायोजित होने वाले केंद्र के रूप में जाना जाता है, डेस केंद्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए लाइव सेंटर, ऑप्शन बी डेड सेंटर, ऑप्शन सी कोनिकल सेंटर, ऑप्शन डी टिप्ड सेंटर। आंसर इज ऑप्शन बी डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1416, द सेंटर व्हिच इज अकोमोडेटेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव इज नोन एज, मुख्य घुरी आस्तीन में समायोजित होने वाले केंद्र डेस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए लाइव सेंटर, ऑप्शन बी डेड सेंटर, ऑप्शन सी कोनिकल सेंटर, ऑप्शन डी टिप सेंटर। क्वेश्चन 1416, आंसर इज ऑप्शन ए लाइव सेंटर। मेन स्पिंडल में जो सेंटर लगे होते हैं उसको लाइव सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1417, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज यूज टू सपोर्ट ए जॉब इन द वी पोर्शन एंड टू ड्रिल होल्स अक्रॉस द राउंड जॉब बाय यूजिंग ए ड्रिल बिट इन द हेडस्टॉक स्पिंडल, निम्नलिखित में से किस केंद्र का उपयोग वी भाग में जॉब का समर्थन करने और हेडस्टॉक स्पिंडल में ड्रिल बिट का उपयोग करके गोल जॉब, ये एक्चुअली जॉब होगा नौकरी नहीं, जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए बॉल सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी स्विवेल वी सेंटर, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। आंसर इज ऑप्शन सी स्विवेल वी सेंटर। वी सेंटर में ही सपोर्ट होता है किसी राउंड शेप जॉब को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1418, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट डन ऑन ए वर्कपीस हेल्ड इन बिटवीन सेंटर्स, केंद्र के बीच में आयोजित वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा संचालन नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए नर्लिंग, ऑप्शन बी अंडरकटिंग बाय प्लंगिंग, ऑप्शन सी थ्रेड कटिंग, ऑप्शन डी पार्टिंग ऑफ। आंसर इज ऑप्शन डी पार्टिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1419, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट इज यूज्ड फॉर, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का उपयोग डेस किया जाता है, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का यूज
किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, ऑप्शन सी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू, ऑप्शन डी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल। टम्बलर गियर क्वाड्रन का यूज स्पिंडल का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होते हैं, यानी आंसर इज ऑप्शन डी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 1420, डेड सेंटर एज कंपेयर्ड विद द लाइव सेंटर्स बियर्स और रेजिस्ट, जीवित केंद्र या मूर्त केंद्र प्रतिरोधक की तुलना में डेस है। ऑप्शन ए नो फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इक्वल फ्रिक्शन, ऑप्शन सी लेस फ्रिक्शन, ऑप्शन डी मोर फ्रिक्शन। अगर हम डेड सेंटर को कंपेयर किया जाए लाइव सेंटर से तो ये ज़्यादा फ्रिक्शन बेयर करता है, आंसर इज ऑप्शन डी मोर फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 1421, द ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग ए होल ऑन द फेस ऑफ द वर्क ऑन द एक्सिस ऑफ द वर्क इज नोन एज, कार्य के अक्ष पर कार्य के चेहरे पर एक छेद को ड्रिल करने और गिनने की क्रिया को डेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए काउंटर बोरिंग, ऑप्शन बी सेंटर ड्रिलिंग, ऑप्शन सी रीमिंग, ऑप्शन डी ग्राउटिंग। आंसर इज सेंटर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग को हम सेंटर ड्रिलिंग के रूप में कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो चैनल में नया देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए और एक लाइक भी कीजिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन होगा आपके मन में तो उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।